गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बच्चों आज की वर्चुअल क्लास में मैं आपको संस्कृत पाठ सात प्रहेलिका का अभ्यास कार्य करवाने जा रही हूँ। पॉइंट नंबर फोर है मंजूषायाम दत्तान शब्दान संयोज्य वाक्यानि रचयन्तु। ये मंजूषा दी गई है, इसमें जो शब्द दिए गए इनको जोड़ करके इनके संयोजन से आपको वाक्य बनाना है। तो ये करता है अहम यानी मैं, और ये क्रियापद दिए गए तो कर्ता और क्रिया का संबंध सबसे पहले। अहम पठामि, अहम गच्छामि, अहम तिष्ठामि, अहम वदामि, अहम भ्रमामि, अहम करोमि, अहम सिमरामि। यानी अहम उत्तम पुरुष एक वचन है, तो ये क्रियापद भी उत्तम पुरुष एक वचन के ही दिए गए हैं। ये आपके आए हुए हैं अव्यय पद, और ये जो कार्य किया जा रहा है वो शब्द यहाँ पर आए हुए हैं, यानी कर्म यहाँ पर आया हुआ है। कहाँ पर कार्य किया जा रहा है, तो हमने यहाँ पर कर्ता ले लिया। अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। क्या पढ़ता हूँ? पुस्तकम। कब पढ़ता हूँ? अब। अहम अधुना पुस्तकम पठामि, मैं अब पुस्तक पढ़ता हूँ। अहम गच्छामि, मैं जाता हूँ विद्यालयम। अपि, अहम अपि विद्यालयम गच्छामि, मैं भी विद्यालय जाता हूँ। अहम अद्य गृहे तिष्ठामि, मैं आज घर में ठहरा हूँ, मैं आज घर में रुका हूँ। आगे आपका देखिए दिया गया है अहम सदा सत्यम वदामि, मैं बोलता हूँ, मैं हमेशा सत्य बोलता हूँ। अहम तत्र उपवने भ्रमामि, मैं घूमता हूँ, मैं वहां बगीचे में घूमता हूँ। अहम अत्र कार्यम करोमि, अहम करोमि, मैं करता हूँ। क्या करता हूँ? कार्य। अत्र मीन्स यहाँ। अहम अत्र कार्यम करोमि, मैं यहाँ काम करता हूँ। अहम सिमरामि, मैं याद करता हूँ। क्या याद करता हूँ? पाठम। कैसे याद करता हूँ? जल्दी। अहम शीघ्रम पाठम सिमरामि, मैं शीघ्र पाठ याद करता हूँ। पॉइंट नंबर फाइव आपका है अव्ययम् चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। अव्यय सोच करके खाली स्थान भरने हैं, ये अव्यय पद दिए गए हैं, ये खाली स्थान भरने हैं। एकदा द्वे मित्रे आस्ता, एक बार दो मित्र थे, तौ परस्परम घनिष्ठौ आस्ताम, वे आपस में गहरे मित्र थे, तयो मध्ये अतीव स्नेहा आसीत, उन दोनों के बीच में बहुत प्यार था, स्नेह था। तौ सर्वदा मिलित्वा अभ्रमणाय गच्छते, वे हमेशा मिलकर ही घूमने के लिए जाते। तत्र तौ दीर्घ वार्तालापम कुरुत, वहां वे दोनों लंबी बातचीत करते। इत्थम इस प्रकार, तौ कालम सुखेन यापयतः, इस प्रकार वे दोनों, उन दोनों का समय सुख से बीतता। आगे आपका देखिए दिया गया है पॉइंट नंबर सिक्स पठन्तु अवगच्छन्तु चा, पढ़ें और समझें। ये अव्यय पद है और ये इनकी हिंदी है। एकदा एक बार, पूरा बहुत समय पहले, इतस्तत इधर उधर, तदा तब, अधुना अब, यदा जब, चा और, पुनः पुनः बार बार, बहि बाहर, सह साथ, अपि भी, अतीव बहुत अधिक, एव ही, तत्र वहां, ना नहीं। तो बच्चों ये अव्यय पद आपको कॉपी पर लिखना भी है, याद भी करना है, यही आपका गृह कार्य है। धन्यवाद।